पहले तो बड़े दुख की बात है कि काफ़ी सारे जो एजुकेटर होते हैं, यूट्यूब एजुकेटर, वो इन टॉपिक्स को कवर नहीं करते। शायद उन्हें ऐसा डर लगने लग जाता है कि भाई हमें कोई गोदी मीडिया ना कहने लग जाए। इजी होता है ना लोगों को लिए टारगेट करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोदी यूट्यूबर बोल के लोग टारगेट करते हैं। अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हो तो फिर बीजेपी सपोर्टर्स आ जाते हैं आपको क्रिटिसाइज करने एकदम। ये दोनों तरफ से है चीज़ें। फिर जब माई गवर्नमेंट इंडिया बीयर बाइसेप्स के जैसे शो पे कोलेबरेट करती है, फिर उसको जो है एक तरफ के लोग बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है यार। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको खुद ही प्रमोट करना पड़े उस चीज़ को। आप किसी भी काम को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर एटलीस्ट उस पर बात तो करो। लेकिन उस पर बात नहीं होती। अब हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो चाहे उसके अगेंस्ट में काम करता हो, उसको पता है कि रोड्स की कंडीशन कितनी तेजी से चेंज हुई है। लेकिन इसके बारे में भी मेरे हिसाब से शायद ही मैंने कोई ऐसी वीडियो देखी होगी जो एजुकेटर ने बनाई होगी। खैर चलो, इन बातों को छोड़ते हैं और एक एनालिसिस करते हैं कि ये रोड कैसे चेंज हुई, गडकरी साहब और उनकी टीम का क्या इसमें खास रोल था और ये कैसे हुआ है। सबसे पहले तो एक चीज़ बड़ी नोट कराना चाहता हूँ मैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं ना कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरियस गाड़ियों में, कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई और पहले कोई और गवर्नमेंट थी, तो फिर उनकी जो गाड़ी है वो भी चेंज होती है, फिर चाहे कितने करोड़ का खर्चा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर एक इंसान आता है जो हाइड्रोजन की गाड़ी लेके पार्लियामेंट में आता है। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कट दिखती है कि भाई बंदे की जो ब्रांड है वो अपनी वैल्यू से नहीं दिखा रहा कि मेरी पावर कितनी है, वो इस चीज़ से दिखा रहा है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। अब हाइड्रोजन का गाड़ी लेके आना कोई शो ऑफ नहीं है, वो दिखाना है कि मैं इस पे ही काम करता हूँ। एक छोटा सा नोट कि ये गडकरी साहब एज अ पॉलिटिशियन कोई एनालिसिस नहीं है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा लो इनकम वाले लोगों के पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ई रिक्शा की मैं सबसे पहले बात करूंगा। आज से अगर कुछ साल पहले चले जाओ तो आपको पैरों से और हाथों से खींचने वाले रिक्शे आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगे, लेकिन आज अगर आप ढूंढने निकलोगे तब जाके आपको मिलेंगे, नॉर्मली मिलते नहीं है। आजकल मारुति 800 ज़्यादा आसानी से दिख जाती है, रिक्शा थोड़ा ज़्यादा मुश्किल में दिखता है। ये जो चेंज हुआ है ना, ये बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। इंडिया में कोई भी चेंज करना और खासकर उन लोगों के साथ जिनकी इनकम लेवल लो होता है, बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन ये नितिन गडकरी और उनकी टीम ने बड़ी ही समझदारी के साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन की है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हमेशा एक खासियत रहती है कि वो जब भी कोई काम करने जाती है ना, वो उसे चारों तरफ से पकड़ती है। जब ई रिक्शा को इंट्रोड्यूस करना था तो ये वाली बात गडकरी साहब को अच्छे से पता थी कि जो गरीब आदमी है वो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वैसे भी उसके पास इतने पैसे नहीं होते। ऑन ऑफिशियल बेसिस तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए 1000 रुपये नहीं खर्च करने होते। लेकिन ये भी सबको पता है कि ऑफिशियली चीज़ें कैसे होती हैं और फिर बीच में ब्रोकर, दुनिया भर की फीसें कैसे लगने शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में नितिन गडकरी की प्लानिंग रही होगी कि ई रिक्शा के लिए जो लाइसेंस है उसको ही कैंसिल कर दिया जाए, डॉक्यूमेंट्स ही कैंसिल कर दिया जाए। कहने का मतलब है जो ई रिक्शा है ना, वो मोटर व्हीकल एक्ट से ही उसको एग्जेम्पशन दे दी जाए। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि ये होना पॉसिबल नहीं होगा। पहली बात तो ये पास ही नहीं होगा बिल, दूसरा अगर पास हो गया तो फिर कहीं ना कहीं कोर्ट में हमें जवाब देना भारी पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस तो हमें चाहिए, लेकिन हम ड्राइविंग लाइसेंस जो मोटर व्हीकल सेक्ट है उसमें थोड़ा अमेंडमेंट करेंगे। जैसे अगर किसी को पब्लिक व्हीकल चलाना है या फिर कोई गुड्स ट्रांसफर चलाना है, कोई स्कूल बस चलानी है, तो उसको उससे पहले 1 साल का उसके पास लाइट व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए था। अब ई रिक्शा के केस में अगर ये होता तो 1 साल का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप बन जाता है। और ये चीज़ एक्सपेक्ट करना एक तो ऑटो रिक्शा वालों से और एक नॉर्मल जो पैरों से खींच रहे हैं उनसे एक्सपेक्ट करना कि 1 साल पहले लाइसेंस बनवा लो और फिर ई रिक्शा चलाना, ये बड़ा भारी एक काम हो जाता जिससे प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती। तो ये अमेंडमेंट करा गया कि ई रिक्शा जो आएंगे ना वो उसके लिए ये 1 साल का लाइसेंस नहीं चाहिए होगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जेम्पशन करने के बाद एक मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल लाया गया और उसे पास कराया गया। हालांकि फिर कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी जवाब देना पड़ा मिनिस्ट्री को, नितिन गडकरी साहब को। लेकिन सिर्फ बिल पास होने से ना सारी ट्रांजेक्शन नहीं होती यार। अब ई रिक्शा को स्टार्ट करने के लिए फंडिंग की जरूरत थी, लोन की जरूरत थी। तो ऑलरेडी चल रही थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उस मुद्रा योजना में डाला गया ई रिक्शा का भी जो लोन है वो आप इजीली ले सकते हो। उसके अपनी 3 क्लासिफिकेशन है, 50,000 तक, 5 लाख तक या 5 लाख से ऊपर, वो अलग अलग है। और ये लो इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, उसमें ई रिक्शा को डाला गया। साथ ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अनाउंसमेंट हुई, जैसे हरियाणा में खट्टर साहब ने अनाउंस किया जो भी ऑटो वाला जिसका पेट्रोल का है वो 15 साल से पुराना जिसके पास ऑटो है, अगर डीजल का है तो 10 साल से पुराना इसका ऑटो है, वो स्क्रैप एजेंसी में जाके, जो सर्टिफाइड होती है उस एजेंसी में जाके अपना जो ऑटो है उसको स्क्रैप करा सकता है और उसके लिए उसको 7500 रुपीज़ मिलेंगे। साथ ही वो जब स्क्रैप कराएगा तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के थ्रू वो स्टेट गवर्नमेंट से 30,000 रुपये और सेंट्रल गवर्नमेंट से 35,000 रुपये ले सकता है। साथ ही जो आजकल मॉडर्न जमाने में चीज़ें यूज़ होती है ना, जैसे गूगल पे यूज़ करता है, प्राइस बनी भी अनाउंस करी गई कि जो सबसे पहले अपना ऑटो स्क्रैप करवाएगा उसको 21,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ साथ 21,000 रुपये और नाम में मिलेगा। तो मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था ना कि चारों तरफ से ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है पकड़ने की, इसके और भी एग्जांपल्स हैं, मैं कभी किसी और वीडियोस में समझाऊंगा। जैसे सभी, हर इंसान के पास एक अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा तो वो लोन कैसे लेगा। ये सारी चीजें चारों तरफ से कंफर्ट क्रिएट कर दिया एक गरीब आदमी के लिए और फिर ये ट्रांजिशन हुआ जो बहुत ही कम समय में इतना बड़ा ट्रांजिशन हुआ इंडिया जैसे कंट्री में।
ये तो थी सिर्फ ई रिक्शा की बात, शॉर्ट स्टोरी। अब बात करते हैं रोड्स की, बात करते हैं कि गडकरी साहब का डीजल से इतना ज्यादा बैर क्यों है और इथेनॉल के ऊपर वो इतना फोकस क्यों करते हैं, ईवी के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हैं, और उन्हें इतने बड़े स्केल पे रोड्स बनाने का पैसा मिल कहां से गया। मतलब ये पैसा तो पहले भी गवर्नमेंट दे सकती थी ना, जरूरी थोड़ी ना कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद ही पैसा मिला हो। सबसे पहले बात करते हैं कि नितिन गडकरी को डीजल से इतनी हेट क्यों है, वो डीजल को अक्सर बैन करने की बात क्यों करते रहते हैं। इसके लिए समझना जरूरी है कि जो पेट्रोल आपको मिलता है ना, वो पेट्रोल एक्चुअल में पेट्रोल नहीं होता है, पूरा प्योर पेट्रोल नहीं होता है। उसमें हमेशा एक ब्लेंडिंग होती है जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग करी जाती है। फिलहाल इंडिया में 13% या 14% की ब्लेंडिंग करी जाती है मोस्ट ऑफ द एरियाज में, कई एरियाज में 20% तक की भी अलाउ कर दी गई है। और जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल खरीदते हो ना, उसमें 15% की इथेनॉल की मिलावट होती है। तो जो आप महंगा खरीद रहे हो प्रीमियम पेट्रोल और ये सोच रहे हो कि ज़्यादा प्योर मिल रहा है, एक्चुअली ज़्यादा प्योर नहीं मिल रहा है, उसमें ज़्यादा इथेनॉल मिलाई जा रही है। हालांकि उससे फायदा ही हो रहा है, और अब गवर्नमेंट का प्लान है कि 2025 तक 20% इथेनॉल मिलानी शुरू कर दी जाए। कभी आपको मौका मिले तो आप देखना उस पर E10 या फिर E15 लिखा रहता है, उसका मतलब होता है कि इथेनॉल 10% या 15% है। अब डीजल की प्रॉब्लम है कि डीजल इथेनॉल के साथ मिक्स नहीं होता। पहले तो चलो ये था कि कंपनीज को था कि भाई डीजल जो है वो इथेनॉल के साथ मिक्स ही नहीं होता, और अगर मिक्स कर भी दे तो फिर इंजन जो है वो अच्छे से चलेगा नहीं गाड़ी का। लेकिन बाद में जब ये थोड़ी और इन्वेंशन हुई तो पता चला कि डीजल मिल जाएगा इथेनॉल के साथ, लेकिन उसमें साथ में एक एडिटिव डालना पड़ेगा, एक एमल्सीफायर डालना पड़ेगा। लेकिन वो तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजी प्लान करी थी उसको वेस्ट कर रहा था, क्योंकि अगर हम एक और एमल्सीफायर डाल रहे हैं उसमें और पैसा खर्च कर रहे हैं तो जो पूरा पर्पस था कॉस्ट को नीचे लाने का वो तो बेकार हो गया। साथ ही जो डीजल है उसकी बहुत बैड रेपुटेशन है, वर्ल्ड में ही बैड रेपुटेशन है, खैर अब इंडिया में नहीं है। इसका भी एक रीजन है कि फॉक्सवैगन एक स्कैंडल हुआ था। स्कैंडल क्या हुआ था कि कुछ प्राइवेट एजेंसीज ने यूएसए में जब फॉक्सवैगन की जो डीजल व्हीकल्स थे उनका जब ऑन रोड चेकिंग करी कि वो कितना एमिशन करते हैं, तो पता चला कि जो फॉक्सवैगन एक सॉफ्टवेयर यूज करता था जब उसकी चेकिंग होती थी ना एमिशन की, तो वो सही आता था। तब उस टाइम पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं वो सही मात्रा में आते थे, लेकिन जब ऑन रोड वो व्हीकल चलता था ना तो वही मात्रा 40 गुना बढ़ जाती थी। मतलब एक काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन थी, एक स्कैंडल था। इससे जो डीजल की रेपुटेशन थी वो पूरी दुनिया में बड़ी खराब हो गई। यहां तक तो बात समझ में आती है, इथेनॉल नहीं मिक्स होता डीजल में और उसकी रेपुटेशन खराब है, लेकिन फिर इथेनॉल मिक्स करना ही क्यों है, उससे फायदा क्या हो रहा है। मतलब क्लाइमेट और एनवायरमेंट फ्रेंडली है इथेनॉल, नो डाउट बायोफ्यूल है, लेकिन फिर भी उससे नितिन गडकरी साहब का इतना प्यार क्यों है। जो इथेनॉल है ना वो प्राइमरीली प्रिपेयर करा जाता है शुगर केन के फर्मेंटेशन प्रोसेस से, और शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में अच्छी खासी मात्रा में है। इतना अच्छा है कि 2025 में जो 20% इथेनॉल मिक्स करने का प्लान इंडिया कर रहा है वो इजिली अचीव हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रोजेक्शंस देखें ना तो 1,500 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, और जो 20% पे चाहिए होगा ना वो सिर्फ 1,000 करोड़ ऑफ लीटर्स ऑफ इथेनॉल चाहिए होगा, तो ये इजिली अचीवेबल है। इसमें एक और एंगल है, जैसे शुगर केन से ये इथेनॉल बायोफ्यूल बनता है तो साथ ही में जो पराली जलाई जाती है हरियाणा और पंजाब के एरियाज में जिसका पॉल्यूशन क्रिएट होता है उससे भी सेकेंड जनरेशन इथेनॉल क्रिएट करा जा सकता है और करा जा रहा है इनफैक्ट। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। इथेनॉल जितना ज्यादा मिक्स कर सकते हो आप पेट्रोल में, उस पेट्रोल के इम्पोर्ट को हम कम कर सकते हैं। हालांकि इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए भी अपनी अपनी मुश्किलें हैं, जैसे अगर शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से करा जाएगा और इथेनॉल में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी तो उसके लिए हैवी मशीनरी चाहिए, हैवी फैक्ट्रीज चाहिए। हालांकि मुझे पर्सनल बेसिस पे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल काम है। अगर गवर्नमेंट ट्रस्ट दिला सकती है प्राइवेट कंपनीज को तो प्राइवेट कंपनीज बहुत इजीली इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बिल्ड हो सकती हैं, और ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है, और इजीली फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है क्योंकि ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाना इतना मुश्किल काम नहीं है। एक प्रॉब्लम है जो मेजर है, जब इथेनॉल की परसेंटेज बढ़ाई जाती है पेट्रोल के अंदर तो इंजन को भी अपग्रेड करना पड़ता है। इससे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना उनकी कॉस्टिंग बढ़ती रहती है और उनका जो काम है, जो उनका वर्क प्रेशर है वो बढ़ता रहता है लगातार। उन्हें ऑलमोस्ट हर कुछ सालों में ही अपना जो इंजन है वो अपग्रेड करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली 16 लाख करोड़ रुपए हर साल, मतलब फिलहाल के हिसाब से, हम ऑयल पे खर्च करते हैं जो हम इम्पोर्ट करते हैं, और वो भी डॉलर्स में, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व पे असर पड़ता है। अगर हम इथेनॉल की जो मात्रा है उसे बढ़ाते रहें तो हमारा जो एक मोटा पैसा है ये बच सकता है और इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो सकता है। ये गडकरी साहब के भी शब्द थे। खैर तो ये रीजन है कि गडकरी साहब का जो इथेनॉल के लिए प्यार है वो यहीं से जन्म लेता है कहीं ना कहीं। उनका जो प्रेशर है डीजल पे वो काफी हाई है। इसका मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूं आपको कि BS6 का जब इंट्रोडक्शन करा गया भारत एमिशन स्टैंडर्ड्स, तो BS6 के इंप्लीमेंटेशन के बाद सुजुकी ने अपना जो डीजल बनाने वाले व्हीकल्स थे वो बंद ही कर दिए डायरेक्टली, क्योंकि उनकी जो कॉस्टिंग थी इंजन को अपग्रेड करने में वो बढ़ती जा रही थी। और सुजुकी का काम ही है कि वो बड़े ही अफोर्डेबल रेट्स पे गाड़ी प्रोवाइड कराता है। अगर वो अपने इंजन को अपग्रेड कराएगा और फिर 1 लाख रुपए उसे अपनी गाड़ियां बढ़ाने पड़ रहे हैं तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडियोलॉजी है, वो ही चेंज होती जा रही है। इसलिए उन्होंने जो अपना व्हीकल है वो अब सिर्फ पेट्रोल में लाना शुरू कर दिया है। हमारे देश में एक टाइम था जब 2 किलोमीटर एक दिन में रोड बना करती थी, और जब गडकरी साहब ने अपना काम स्टार्ट किया तो फिर वो पहले 10 हुआ, 15 हुआ, 20, 25, 30, और फिलहाल
68 से ज्यादा किलोमीटर पर डे रोड बनाई जा रही है। और गडकरी साहब का क्लेम है कि 100 किलोमीटर पर डे की रोड हम बनाएंगे फ्यूचर में। अब आप अंदाजा लगाओ कि भाई साहब ये कितने गुना हो गया, ये जो इतनी पेस है इसका पैसा कहाँ से आया, रेवेन्यू कहाँ से आया। और गडकरी साहब अक्सर कहते रहते हैं कि मैं सेंटर से इतना प्रेशर क्रिएट नहीं करता, मैं ज्यादा पैसा नहीं लेता सेंटर से, और फिर भी इतना अच्छा काम करके दिखाता हूँ, तो फिर वो पैसा आ कहाँ से रहा है। साथ ही मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, बोर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। बोर्ड मतलब बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। अब ये बड़ा टेक्निकल टर्म लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा सिंपल है। जैसे आपने रोड्स बनते हुए देखा होगा तो पहले जो रोड बनती थी ना, 90-95% रोड्स जो बनती थी वो पीपीपी बनती थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपको पता होगा हालांकि टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, जो रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता था वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता था और रोड बनने के बाद वो कंपनी उस पर टोल वसूलती थी जब तक उसका अपना जो पूरा खर्चा है वो पूरा नहीं हो जाता। लेकिन ये जो काम है ये 2010-11 तक चलता रहता था, उस टाइम तक 95% रोड ऐसे ही बनती थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये ऑलमोस्ट जीरो कर दिया गडकरी साहब की मिनिस्ट्री ने। कुछ टाइम पहले की नितिन गडकरी की स्पीच भी है जिसमें वो बोलते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर जो रोड बनाने के लिए इंटरेस्टेड होता है, अगर वो मेरे पास आता है और कहता है कि हमें गवर्नमेंट गारंटी चाहिए, तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई बैठो चाय पियो और नमस्ते, और जो मैं हूँ वो 40,000 करोड़ रुपये का जो टोल है वो कमाता हूँ, तो मैं आपको इनकम दे सकता हूँ आपके इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन आपको कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ नितिन गडकरी साहब का कहने का मतलब था कि जो टोल आता है वो गवर्नमेंट के पास आता है और अब वो इंटरेस्टेड नहीं है इन बोर्ड प्रोजेक्ट्स में, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर में, मतलब प्राइवेट कंपनी को पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं छोड़ना चाहते वो। अब आगे जो मैं बता रहा हूँ ना, वो एक बड़ा ही हाईली स्ट्रेटेजिकल मूव था जो मिनिस्ट्री ने लिया और बड़ा ही एक रिस्की स्टेप आप मान सकते हो। अगर मोटे मोटे स्केल पे देखा जाए तो गडकरी साहब ने यूनियन से बजट लिया अच्छा खासा और साथ में काफी सारा डेब्ट भी उठाया, और ये उठाया क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि आने वाले टाइम में वो जो रेवेन्यू क्रिएट करेंगे टोल टैक्स का और जो उससे साथ में रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका जो रेवेन्यू क्रिएट करेंगे वो इतना कर देंगे कि जो भी डेब्ट उठा रहे हैं वो और जो यूनियन बजट उन्हें मिल रहा है उसको वो एक जस्टिफाइड कर देंगे और जो लोन है उसको भी रिपे कर देंगे, और जो उन्होंने विश्वास दिखाया वो एक्चुअल में सही साबित हुआ। गडकरी साहब क्लेम करते हैं कि वो 40,000 करोड़ रुपए हर साल टोल से कमा रहे हैं, मतलब उनकी मिनिस्ट्री कमा रही है। और नितिन गडकरी ने ये भी बोला कि जो 40,000 करोड़ रुपए वो अभी फिलहाल कमा रहे हैं, जिसपे जो रोड है वो 5,00,000 करोड़ वर्थ रुपीज की बनाई गई है, उस पर वो 2 साल में 1,40,000 करोड़ रुपए टोल टैक्स रिसीव करेंगे। मतलब आप इक्वेशन देखो कहाँ जा रही है। अगर मैं कंपेयर करूँ ना पिछले 15 साल का, तो आपको लगेगा कि ये तो जमीन आसमान का अंतर आ गया भाई साहब। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऊपर नीचे ही सही, लेकिन ये जो टोल है वो कलेक्ट होगा। नितिन गडकरी और उनकी टीम ने जितना भी काम किया है वो कमेंडेबल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोन है वो भी काफी हाई अमाउंट में है। आगे की जो रोड बनेंगी वो इस लोन को देखते हुए, इसको चेक में रखते हुए ही आगे काम बढ़ाना पड़ेगा, वरना जो लोड है NHAI के ऊपर वो ज्यादा होता चला जाएगा। NHAI के एक ऑफिशियल ने क्लेम किया कि 15-16 साल में हम जो ये पूरा लोन है उसको रिपे कर देंगे, और उसके बाद जो रेवेन्यू आता रहेगा हम उससे और नेशनल हाईवेज बनाएंगे और एक्सप्रेसवेज बनाएंगे। अब इसमें एक और चीज़ है जो बहुत ही नोटिस करने वाली है, जो बहुत इजीली इग्नोर हो जाती है। पहले जो आपने नेशनल हाईवेज वगैरह देखे होंगे, तो सरकार रोड बना देती थी, उसके साथ में जो भी होटल्स वगैरह हैं वो अपने हिसाब से रेस्टोरेंट वगैरह खुलते रहते थे। लेकिन अब जो हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, स्पेशली एक्सप्रेसवे, उसमें जो ये फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो सेंटर ऐसे ही खुलेआम नहीं छोड़ रही है, अब वो जो है उसका रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। अगर एक्सप्रेसवे पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि रेस्ट एंड रिकवरी एरियाज हैं, इवन जो नेशनल हाईवेज हैं वहां पे भी इसकी कोशिश की जा रही है कि ऐसा किया जाए। तो जो रेवेन्यू अभी फिलहाल 12-13 करोड़ है, ये एमिनिटीज और जो एक्स्ट्रा हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर है NHAI के बराबर में, वो फिलहाल के हिसाब से 12-13 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू नहीं देता। लेकिन 2027 में ये एक्सपर्ट्स का प्रोजेक्शन है कि ये 1400-1500 करोड़ रुपए तक देगा हर साल। लेकिन एक और रेवेन्यू सोर्स है सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल। ऑफ कोर्स जो पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसका जो कलेक्शन होता है वो जाता है सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में। अब वो जो फंड्स होता है उसका अच्छा खासा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, हालांकि ये वैसे तो आता ही यूनियन बजट के अंडर ही है, पर उसका जो अच्छा खासा पैसा है वो सीधे सीधे नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री में जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पैसा और जगह नहीं जाता, और योजनाओं में भी जाता है, लेकिन अच्छा खासा पैसा इस मिनिस्ट्री में ही आता है। 2021-22 में 39,000 करोड़ रुपए इस फंड से मिनिस्ट्री में गया था, और 2022-23 में यही जो है वो 1.14 लाख करोड़ रुपए इस फंड से मिनिस्ट्री की तरफ गया था, फ्लो किया था। तो नरेंद्र मोदी जी अच्छा खासा पैसा देते हैं नितिन गडकरी जी को। हालांकि जो पूरा पैसा क्रिएट होता है ये एक सर्कल है, क्योंकि जितनी अच्छी रोड होंगी उतना ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, उतना ज्यादा पेट्रोल फूकेगा, उतना ज्यादा टैक्स क्रिएट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और फिर वहां से वो मिनिस्ट्री पे जाएगा। अब आपको यहाँ ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी कि पेट्रोल
जो मिलता है इंडिया को इंपोर्ट होता है वो एक अलग रेट पे होता है, लेकिन जो कस्टमर को मिलता है वो 100 इस रेट पे मिलता है, लेकिन इसमें काफी सारे टैक्सेस लगे होते हैं। अब यहाँ जो इथेनॉल का मिक्स करने वाली बात है वो क्यों NHAI को बहुत फायदा करेगा वो चीज आपको समझ में आनी शुरू हो गई होगी अब, क्योंकि इथेनॉल मिलाने से जो सस्ता होगा ऑफकोर्स पेट्रोल के इम्पोर्ट से, क्योंकि वो अपने इंडिया में ही बन रहा है और अपने ही लोगों को फायदा कर रहा है, तो जितना पैसा हम किसी भी फ्यूल सोर्स पे कम करते जाएंगे उतना ही ज्यादा पैसा नितिन गडकरी जी के पास जाता रहेगा, क्योंकि पेट्रोल के दाम नहीं कम होने वाले हैं। पेट्रोल के दाम कम होंगे नहीं, इथेनॉल ज्यादा मिक्स होगा तो जो पैसा बचा वो कहाँ जाएगा। हालांकि जो पैसा है ये फाइनली रोड्स बनाने में ही काम आएगा, एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज। तो इस साल CRIF का फंड था जो ये टैक्स डीजल और पेट्रोल पे लगा के जो फंड क्रिएट होता है उसका जो पैसा है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया को नहीं गया, लेकिन फिर भी जो फंड मिनिस्ट्री को मिला वो फिर भी रिकॉर्ड हाई 1.6 लाख करोड़ रुपए मिला। हालांकि जो CRIF का फंड था वो नहीं मिला, फिर भी यूनियन ने जो बजट है जो पैसा है वो गिरने नहीं दिया, क्योंकि सेंटर को भी दिखता है कि इस फील्ड में काम हो रहा है और इस फील्ड में जो काम है वो वोटर्स को भी दिख रहा है, दुनिया को भी दिख रहा है, इसका पैसा नहीं रोकेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब नितिन गडकरी जी का लेटेस्ट प्लान है जो रिसेंटली ऑलरेडी चलना शुरू हो चुका है कि अब जो वो पैसा उठाना चाहते हैं वो कॉमन पर्सन से उठाना चाहते हैं। नॉर्मली कॉमन पर्सन अपना क्या करता है, बैंक में पैसे डाल देता है, उसमें बैंक में उसके कितने ही पैसे बढ़ते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलता है। नितिन गडकरी साहब का कहना है कि हम वो पैसा लेंगे, रोड्स में इन्वेस्ट करेंगे और उनको जो है वो बैंक से ज़्यादा रिटर्न देंगे। आपने वैसे भी तो फालतू में पैसा डाला हुआ ही है, ये देख के कई बार लगता है कि भाई साहब कितनी ही एनर्जी किसी इंसान में हो सकती है। साथ ही NHAI जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, अभी लेटेस्ट 75 किलोमीटर का कॉन्क्रीट बिटुमिनस कॉन्क्रीट बिछा दिया गया था सिर्फ 105 घंटे 33 मिनट में, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया NHAI ने। तो ये एनालिसिस था, ये किसी पॉलिटिशियन का एनालिसिस नहीं था, ये एक लीडर का एनालिसिस था जिसने जो रोड नेटवर्क है वो इंडिया का कितना तगड़ा चेंज कर दिया। क्योंकि मुझे खुद को पता है कि मेरे को ये दिल्ली टू मुरादाबाद, दिल्ली टू मेरठ का जो हाईवे है वो बहुत यूज करना पड़ता था। दिल्ली टू मुरादाबाद ले लो तो 7 घंटे कहीं नहीं गए, और आज ये टाइम है कि 2 घंटे में आप दिल्ली से मुरादाबाद पहुंच सकते हो अगर आप बीच में रुक नहीं रहे हो तो, और आपको अच्छे से चलानी आती है। तो ये पूरा एनालिसिस था जो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल और स्ट्रेटेजिकल चीज थी जो इतनी आसानी समझ में नहीं आती, मैंने जितना हो सका उतना ईजी समझाने की कोशिश की। अगर कोई करेक्शन होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही अच्छी खासी मेहनत लगी है तो सब्सक्राइब कर लो और जो बेल है उसको दबा लो, क्योंकि ये वीडियो आपको लेटेस्ट मिले, ऐसा ना हो 5 साल बाद 2 साल बाद देखने को मिले। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।